तो फिलहाल तो भाई लोग पहुंच चुके हैं, मतलब मंदिर के साइड से भी बाइक वगैरह पार्क किए हैं, प्रसाद वगैरह पूरा ले चुके हैं। तो फिलहाल तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या देखने को मिलता है वहाँ पे आगे जाके। तो भाई लोग चलते हैं ऊपर के साइड। जाने में मेरे को लगभग 10 से आधा घंटा लग जाएगा, मेरे को चलने में 15 मिनट भी लग सकती है। तो फिलहाल तो चलते हैं आगे मंदिर में, सीधा जाके आप लोग को वेट करते हैं। क्योंकि भाई मतलब पहले भी एक बार आ चुका हूँ, लेकिन मतलब बस से आया था, और इस बार तो अपनी क्राउन से आया। तो क्राउन पार्किंग में लगा दिया मैंने और अपनी जर्नी चालू किया पैदल यात्रा। जो कि भाई आप लोग को पता ही होगा कि चलने में तो कोई कष्ट नहीं है। एक बार आया पहले बार, और मेरे साथ एक और है बाइकर, मतलब देख रहे भाई यहाँ पे भी खेती उनकी तबाही वाला सीन रहता देखने को मिलता है। तो फिलहाल इधर तो भाई लोकेशन बहुत ख़तरनाक वाला है, जो कि पहाड़ों के बीच घिरा हुआ है। पहाड़ों के घिरा हुआ नहीं, ऊपर है पहाड़ों के पूरी टॉप पे, और यहाँ से मेरे को जाने में अभी लग जाएगा 10 से 15 मिनट, जो कि ऊपर के साइड है पूरा, जो आप लोग को इधर से दिखा सकते हैं, जो कि वो है मंदिर, जो कि देख सकते हो आप लोग। और मेरे को वहाँ तक जाना है, पूरा घूर घूर के घूम घूम के जाना पड़ेगा मेरे को। तो फिलहाल तो चलते हैं आगे। फिलहाल तो आप लोग चेक करो भाई लोग, देख रहे हो कितनी ऊपर आ चुके हैं टॉप पे, अब अभी भी थोड़ी दूर और है भाई। आप लोग लोकेशन चेक करो, बादल के बीच भाई पूरी हालत खराब हो गई यहाँ तक झड़ते झड़ते यार है? बादल है पूरा, ये सब पूरा कोहरा ही कोहरा भाई। और बाइक वगैरह तो नीचे के साइड में, और देख रहे हो सर जी लो भाई पूरी हालत खराब हो गई है यार। और आप लोग को इधर से दिखाते हैं कि क्या यहाँ का रिएक्शन रहती है, सीन जो है देख रहे हो भाई, पूरा बादल के बीच में मंदिर ऊपर, और यहाँ पे भी ऊपर में पूरा। यहाँ पे अभी जाने में मेरे को 10 मिनट लग जाएंगे अभी भी भाई, पूरी हालत ख़राब हो गई यार चढ़ते चढ़ते। जो कि मैं उधर साइड से भाई मेरे को पता तक नहीं लग रहा है कहाँ से आ रहा था मैं, बस स्टैंड वहाँ से, जो कि वहाँ से आ रहा था मैं बस स्टैंड से, मतलब चढ़ते चढ़ते लगभग मेरे को आधा घंटा हो गया। और आगे जाते हैं भाई मंदिर में, आप लोग को दिखाते हैं कि क्या रिएक्शन रहते हैं यहाँ पे आके। तो पता करेंगे कैमरा वगैरह अलाउ है या नहीं, तो उस तरफ से देखेंगे। तो चलते हैं फिलहाल आगे, और आप लोग को मिलते हैं सीधा मंदिर में जाके। तो फिलहाल तो हम पहुँच चुके हैं नैना देवी मंदिर। तो बहुत ही खुशी की बात है, जो कि आप लोग एक बार लोकेशन चेक कर लो भाई लोग, क्या ख़तरनाक वाला यहाँ पे सीन है। जो कि आने के बाद सुकून जो मिलता है पहाड़ों के ऊपर, भाई चढ़ने में जो हालत खराब हुई वो तो आप लोग समझ सकते हो, और भाई भीड़ तो देख सकते हो भाई कितनी ज़्यादा यहाँ पे है, पूरी भाई हालत ख़राब हो जाएगी मेरे हिसाब से। तो मतलब 1-2 घंटे मेरे को लग जाएंगे यहाँ पे। तो जैसे यहाँ से फिर कहाँ पे निकलना पड़ेगा, तो वो रास्ते में डिसाइड हो जाएगी कि कहाँ जाना है हमको। तो फिलहाल तो चलते हैं भाई के चल, नहीं नहीं तो फिलहाल मंदिर जाने में भाई भीड़ तो इतनी आता है कि क्या ही बताएं आप लोग को भाई, देख रहे हो भाई पूरी भीड़ लगी है यार, जो कि जाने में तो लगेंगे टाइम। भाई जाने में तुम्हारा बहुत टाइम लगा भाई, देख रहे कितनी स्पीड में जाता है, और निकलो जाओ और निकलो भाई पूरा भाई वाला भाई। यहाँ पे आने में भीड़ तो इतनी ज़्यादा है, दिमाग खराब हो गया मेरे को, आने में तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है, और यहाँ पे भीड़ में तो कैमरा लगा हुआ है इसमें ना, कार कैसे देखो मोटरसाइकिल तो ऊपर ही ले आया, मैं तो मोटरसाइकिल ऊपर ही ले आया था। आप लोग कैमरा हेलमेट में क्या है, हेलमेट
भाई देख रहे हो भीड़ कितनी है यार। हाय आंटी, नहीं जाने देगा, जाने देगा, देखते हैं। बोला तो वहाँ पे जाना जा सकता है। फिलहाल तो देख रहे भाई पहुँच चुके हैं यहाँ पे नैना देवी मंदिर, जो तीन माता पत्थर मान सकते हैं। इधर साइड से निकलते हैं यार, ये भीड़ इतनी है कि कुछ कहने का नहीं। और इधर हवन साइड है भाई, माथा टूटने का भाई। देखो और निकलो यार यहाँ से। दर्शन कर, दर्शन कर जो है। भाई कितनी ज़्यादा व्यू है, देख सकते हैं आप लोग भाई। आधे घंटे मेरे को हो गए आते आते यार, पूरा परेशान हो गए भाई, देख रहे हो। और ये लड़का मेरे साथ में आया, इधर पूजा पाठ करने की वहाँ पे मना किया है, और इधर कर सकते हैं कोई बात नहीं है। तो इधर चूनर वगैरह चढ़ाते हैं और पूरा बढ़िया तरीक़ा से पूजा पाठ करेंगे, जो कि टाइम तो लगेगा ही। नारियल के चढ़ी और पूरा प्रसाद वगैरह दिया, क्या क्या दिया है पता नहीं मेरे को भाई। नरेज कहाँ देंगे, नर कहाँ चढ़ाएगा प्रसाद वहाँ पे। नारियल ले लो बड़ा बड़ा यहाँ पे थोड़ा प्रसाद थोड़ा सा भाई। पूजा करने में भी 10 मिनट लग जाएंगे मेरे को, कभी नहीं आए होंगे तो आप लोग को तो पता नहीं होगा। जो बिहार से है भाई उन लोगों का सपना रहता है आने का, और हमारा तो सपना पूरा हो गया भाई, क्या बोले। देख रहे भाई पूरी इधर से भीड़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे आ रही है, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि क्या बोले भाई। और ये लक्ष्मी जी का मंदिर मूर्ति है, इधर मूर्तियाँ बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग चेक करो भाई लोग, भाई यहाँ आने में इतनी जो परेशानियाँ होती है। इधर रुकने पहले प्रसाद पूजा कर लो, उसका फोटो खींचो ना। और इधर हवन में तो पूरा धूप वगैरह सब कुछ इधर डालना है। कहाँ पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा चुनरिया, कहाँ पर ले कर आए मुझे बांध दी कहाँ पाने पड़ा है नरियरा की है वरन डाल ना नरियरा वरन डाल लेगा तो चेक करो भाई लोग, भीड़ तो इतनी ज़्यादा कि क्या ही बोलो। तो सीधा आप लोग को पूजा पाठ करके मिलते हैं आप लोग को आगे सीधा, क्योंकि भाई इतनी ज़्यादा परेशानी में आप लोग को नहीं डाल सकते भाई। देखो यार क्या भीड़ है, वगैरह बांध दिया। और माता जी से यही मनोकामना करता हूँ कि मतलब जल्दी से जल्दी मेरे 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दे, जो कि मतलब जनवरी दिसंबर लास्ट इस साल के लास्ट तक होते होते मेरे 10K सब्सक्राइबर हो गए माता जी के पास कृपा से। तो मैं ज़रूर यहाँ पे फिर से एक बार आऊँगा, जो कि मैं माता जी से यही मनोकामना करता हूँ। और आप लोग इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।